अरे बाप रे बाप, गोलुआ के मतारी कह रहा है तेरी फाइनल तेल में पूरी ना बना, बता के खिया दिलक पेट डायरेक्ट कर दिलक रे बाप। गमछे में तो ना चुरुक गेलक, आज दिन से कान धरे छी रिफाइन वाला तेल के पूरी खाम रे बाप। अरे बाप रे बाप, अरे मैया रे बाप रे बाप, हर बार चल भगलाओ। अरे बाप रे बाप, की बोलो हमर दे। अरे बाप रे बाप, की कहियो सुखला भाई, जैसे झाड़ा फिर ला बैठ लियो पीछे बड़ी मोट के घमन साहब फेट कर ले बैठल ला लोरा। हमने तो देखिए के झाड़ा सुजुक गेलो रे बाप रे बाप, देखा तो तनी गाय में काट उठता ना लेला का। दुर्बल फुलन भाई, तू तो गजब्बे आदमी होता, झाड़ा फिर ला तो गार काहे ना दोला, पूरे गार गु लगले है। दूर मार दे ओकने, अब जान बचा के गार खोए। हां तो काहे ला खेत खरियान में झाड़ा फिरने चले आते हैं, घर में लेटिंग है तो उसमें झाड़ा काहे ना फिरते हैं। अब घर में लेटिंग कहां बनवाए हैं, बहिन का बियाह किए हैं, ओकरी कर्जा में अभी तक डूबल है, अब गरीब आदमी है कहां से लेटिंग बनवाएंगे। आई मैं गरीब अमीर वाला बात की है, सरकार सबको देता है लेटिंग बनवाने के लिए पैसा, तोरा ना मिलो है ना? हमरा तो ना मिला है। ना मिला है ना? अरे गांव में तो सबको मिल गया है, इसका मतलब ना तोर पैसा ना मुखिया खा गया। अरे बाप रे, 6 महीना के लिए हम बाहर की चले गए, मुखिया हमर लेटिंग ही खा गया। यह चलते ना कहते थे कि मुखिया हमरा बनाइए। हाँ तो हम तो वोट देवे किए थे ना। हाँ वो पुरवारी टोला वाला से नहीं दिया था साला सब। हाँ तो जाइए मुखिया से लेटिंग वाला पैसा मांग लीजिएगा, ना तो कोनो दिन शाम काटेगा तो गुहे पर गांठ चार के मर जाइएगा। जाइए हाँ भतीजा, ले ले चला थोड़ा चला। राम फुलन चा, हाँ एगो बात जानते हैं? कौन बात? राते लालटेनवा के बेटा पिंटुआ के बेटी मकई में पकड़ा लिया है ना। का बात करता है, कौन पकड़ा है? अरे हम ही ना पकड़े हैं, पूरा स्पॉट पर धोलिए। अरे बाप रे बाप, एकदम पोजीशन में धल गया कि पूरा फुल पोजीशन। साला हमू ब्लैक मिल करके एक्टिव ले नहीं वाले थे कि सुरेश चा के बेटा साथी में ना था, साला हल्ला करके आदमी सबके बुला दिया, पूरा मूड खराब कर दिया। अरे बाप रे बाप, तू तो पूरा मन चपचा पाले रह गेलो हो। हां चाचा। अरे बाप रे, के फुलान भोरे भोरे ई चमेली के तेल लगा के किधर चल देली बारिश में? चाचा मुखिया जी कन जा रहे हैं। कला कुछ हुआ है कि ना? चाचा एगो बात पूछे। हां पूछ। आपके घर में लेटिंग बना है? हर चला हमारा घर में लेटिंग का हला बनेगा रे, हमारा घर में दाल चावल बना है। अरे चाचा हम ऊना कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपके घर में लेटरिंग हगने वाला घर बना है। हाँ वो तो कहिया बनवा लिए सरकारी पैसा से। आओ चाचा, हमने तो अभी तक पैसा ना दिया है। अरे हमरो नहीं दे रहा था, मुखिया के 2000 रुपया झट से सुंगा के फट से पूरा लेटरिंग दे दिया। मतलब कि लेटरिंग का पैसा दे दिया जो तू मांग लिए लेटरिंग। हाँ हाँ जा देख की हो जो जो बिना 2000 ले लौड़ा दे तोरा लेटरिंग। हाँ तो तू आते बात पूछे के भूलिए गलियो रे, तू 3 बजे भोर में वो मकई में कोठी करे गेली रे। बाप रे मेघ बड़ा तेज हो छो चाचा, गेहूं दूसरी दूरे पे पसार ले हतो जा छियो। और साला सब छिनारे है खाली हमरा छोड़ के। अरे छोरा भोर दिन साला सब तू मोबाइल में घुसल रहै छे, ई कोठी करे के मोबाइल में गुजुर गुजुर अहिया आइएगा तो ना बताएंगे। अच्छा अब अच्छा अच्छा हाँ बताओ बताओ। अच्छा रुक जो बुनियो खत्म हो गलो, चल अच्छा भेलो। हाँ बता जल्दी जल्दी। आप घर बैठे बैठे एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं? अरे जरूर करना चाहते हैं। तो आज हम ना आपको बिनोमो के बारे में बता रहे हैं, ये प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है, आप इसके जरिए दिन का 1500 और महीने का 30,000 रुपया तक कमा सकते हैं। अच्छा इसमें ग्राफ को देख के फोरकास्ट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आप इसमें 350 रुपया से ही स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं 3500 रुपया से फोरकास्ट किए हैं, मेरा ग्राफ ऊपर जाएगा। अच्छा सुनिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर डाउनलोड करते हैं ना तो आपको डेमो अकाउंट में 65,000 रुपया मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ओ यस, देखिए मेरा फोरकास्ट सही हो गया, आप अर्निंग अमाउंट को 24 घंटे के अंदर बैंक अकाउंट या पेटीएम में बहुत आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। और ध्यान से कभी कभी लॉस भी हो सकता है, और अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं ना तो आपका फर्स्ट डिपॉजिट डबल हो जाएगा, जैसे कि 400 का 800। तो डाउनलोड कीजिए बिनोमो ऐप और एक्स्ट्रा इनकम शुरू कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देयर आर 2 मिलियन बिनोमिस्ट इन इंडिया, आर यू वन ऑफ देम? उप मुखिया जी, जी इबार मनरेगा मनरेगा वाला के की हिसाब है? अरे पूरे 3 लाख के बचत हुआ है, हम अपना हिस्सा काट के जो बचा है से मुखिया इनके दे आए हैं। चलिए ठीक है, इबार वाला पैसा से अपना घर रंगवाएंगे, पूरा देवाल वाल करिया हो गया है। प्रणाम मुखिया जी।
प्रणाम प्रणाम के फुलाम, कहाँ गेल था? बहुते दिन से नजर नहीं आ रहा था। वो बहिन के बियाह किए थे तो कर्जा में डूब गए थे, एहला बाहर कमाए चल गए थे। अच्छा किया कि बाहर चला गया। अच्छा वो सब बात छोड़, की काम से ले हैं? अब मुखिया जी हम पूछने आए थे कि आप हमारे लैट्रिन काहे खा गए हैं। कथी गंदा गंदा बात बोल रहा है? अब मतलब कि लैट्रिन वाला पैसा काहे खा गए हैं? अरे कैसन बात करता है फूलन, हम काहे ला तोहर लैट्रिन का पैसा खाएंगे? अरे हम अपना हाथ से सबको लैट्रिन दिए हैं। का वार्ड साहब दिए हैं कि ना दिए हैं? हाँ मुखिया जी सबको अपना हाथ से लैट्रिन दिए हैं, लेकिन हमारा तो अभी तक ना मिला है। उप मुखिया जी ना मिला है की? मिला होगा की, कौन वार्ड में घर है? चौदह, अब मतलब की चौदह। अच्छा रुकिए हम फाइल देख के बताते हैं। देखिए देखिए, तेरह चौदह, महेश सुरेश विकास कमलेश सीताराम नाम फूलचंद पिता मूलचंद वार्ड नंबर चौदह। मिलल तो है, उठा के निशानो है, लेकिन हमरा तो मिलबे ना किया है ना, हमरा घर में बनल है लैट्रिन। देख फूलन हम उना जानते हैं, यहाँ कायद पर बनल है ना, तो तोरा घर में बनल है कि ना बनल है हमरा उसे कोई मतलब नहीं है। जो घर मुखिया जी आप हमर लैट्रिन खा के ठीक नहीं कर रहे हैं, गरीब आदमी का लैट्रिन खा रहे हैं ना, पाप लगेगा पाप। मुखिया जी कथी फूलन तू हल्ला चिल्ला कर रहा है, आइलो 100 रुपया, जाओ तारी उड़ी पी लेना, जाओ घरे। ई पैसा अपना कार में रखियो मुखिया जी, हमर लैट्रिन पूरा का पूरा खा गए, ऊपर 100 रुपए दे के फुसलाना चाह रहे हैं, ई घोटाला का पूरा पर्दाफाश करेंगे। अरे चुप 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 चुप। हाँ सर, कल आपके पंचायत में शौचालय जांच पदाधिकारी जाने वाले। हमारे पंचायत में? हाँ अभी के पंचायत में, तो खेत खलियान रास्ता कहीं पे गू नजर नहीं आना चाहिए। अब बिल्कुल नजर नहीं आएगा सर, अधिकारी साहब सुबह सुबह जांच के लिए पहुँचेंगे तो कोई लोटा लेकर भी नजर नहीं आना चाहिए। अरे बिल्कुल कोई नजर नहीं आएगा सर, हम अपना गाँव में सबके घरे घरे लैट्रिन बनवा दिए हैं, तो लोटा लेकर बाहर कहाँ आएगा नजर सर, बताइए सर। ज्यादा ही आइए नहीं, हमारा सब कुछ मालूम है, अपना संभाल लीजिएगा, पकड़िएगा तो जानिएगा। क्या हुआ मुखिया जी? अरे का होगा, कल शौचालय जांच पदाधिकारी आने वाला है, ओहो भोरे भोरे, और सड़क उड़क पर हकल उकल देख लेगा तो जुलूमी हो जाएगा। अब मुखिया जी सब लैट्रिन तक कागजे पे बनवा है, तो सड़क पर तो घूम आवे ना करेगा। हम उसे बात नहीं जानते हो मुखिया जी, कल पर कैसे करके सड़क पर सबको हमने से रुकना पड़ेगा। वार्ड साहब आप भी सभी वार्ड में ये बात फैला दीजिए कि कल सड़क पर खेत खलिहान में कोई हगने नहीं जाएगा। मुखिया जी हगाई पदाई मुताई से रोका जाता है, ऐसे में तो अथरी पथरी गल जाएगा। अरे हम उसे बात नहीं जानते हैं, कल भर सड़क पर किसी का गुण नजर नहीं आना चाहिए, अगर कुछ हुआ तो हमारा साथ साथ आप लोग भी फंसिएगा। हाँ अरवाड़ साहब कथी बोल रहे थे कि अंतरी पति सड़ जाएगा, एगो लैट्रिन रूम पर चार चार गो लैट्रिन का पैसा उठा ले है ना, सब गांव है निकल जाएगा। खाली हम ही मारे हैं, हम चारे गो के मारे हैं, ये मुखिया एगो के नाम पर छो छो गो लैट्रिन का पैसा मार के खाई ले, एकरा कुछ ना कहते हैं? आप जो जल लाल वाला में मारे हैं उ ना कह रहे हैं? वाह मुखिया जी वाह, आप सभी जो गरीबों का लैट्रिन खा के पेट भरे है ना, नहीं पचेगा, आप लोगों को कल भोरे बताते हैं। क्या साला, सुनिए आप लोग ये फुलनमा पर तनी विशेष ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर करेगा साला। बोले कि मनरेगा में माटी कटवाएंगे, यहाँ भोरे भोरे गू झपवा रहे सबला सब। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, भोर हो गया है। रे 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 रे, चल भाग, मना कर रहे हो रोड पर ना जाके, चल जो करे। ओ जीतन चा आई 20 रुपया ज्यादा दीजिएगा। काला रे ये पैंट पर गू लग गया है, इसको गमकौआ वाला सरफ से साफ करेंगे, एहे लेल 20 रुपया ज्यादा दीजिएगा। तो देख के साफ काहे ना करता है, आ 4 बजे भोर से करवाइएगा, तनहार में लगबे ना करेगा। हाँ मुखिया जी, जी जी जी, अरे एकदम पूरा चिकन करवा दिए हैं, जी जी एक को चौदह तो नहीं आएगा, जी जी ठीक ठीक ठीक। अरे जल्दी हाँ चला, चेकिंग आने वाला है। प्रणाम सर, हम मुखिया। प्रणाम सर, हम उप मुखिया। प्रणाम सर, हम वार्ड। सर हम सबके घरे घरे लैट्रिन बनवा दिए हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, आ कथी जाइएगा खेत खलिहान में चेक करने, चलिए ना हमरे घरे शरबत पियाएंगे नींबू मार के, अपने खेत के नींबू है सर। जैसा आपका मर्जी, चलिए सर चलिए। अरे फुलनमा कहाँ है? ना पता,
अरे जो जो फिल्मा पर ध्यान रखना होता है उस साला कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर देगा। सुनिए ना मुखिया जी, गछिया में नहीं लेके जाएगा, बहुत ठगले था, आधे छपाया था, अभी बचले है। जो पहले फुलना पर ध्यान दे तू सब। सर 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 इतना कष्ट काहे कर रहे हैं सर, पैर उड़ दुख जाएगा सर, एटा से चेक कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर लैटरिंग जैसा कुछ महक रहा है ना? हाँ सर, महक तो रहा है। कहाँ महक रहा है, कहाँ महक रहा है, हमको तो ना महक रहा है। अच्छा सर, लगता है कि उधर से पाद का है ना, तो यहाँ तक महक चलाया। नहीं सर, पाद का महक नहीं है, ये तो दो दिन का सरल गो का महक है। आपको बड़ा एक्सपीरियंस है, आप खाते होते हैं कि? हम अलग अलग गांव में घूम घूम कर सर्वे किए हैं, इसलिए ज्यादा एक्सपीरियंस है। अच्छा 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 सर, वो हेलीकॉप्टर नजर तो नहीं आ रहा। अच्छा लगता है कि ज्यादा स्पीड में ससुरा भगा दिया हेलीकॉप्टर। चलिए हम गाची में भी सर्वे करेंगे, कहा कि आजकल लोग गाची वृक्ष में बेसी लैटरिंग करता है। चलिए सर्वे करवाइए जल्दी से। अरे सर 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 सर, इधर कहाँ जा रहे हैं सर? चेकिंग करने। अरे सर इधर ना जाइए चेकिंग करने, ये जो गाची देख रहे हैं ना, बहुत भूतिया है, दीने में आदमी के गर्दन मसूर के मार देता है सर। आपके साथ कुछ अनहोनी हो गया था? अरे बाप रे बाप। चलिए सर, अभी हमारा ब्याह नहीं हुआ है, अगर गर्दन मसूर के मार दिया ना तो हम बिना लेले मर जाएंगे। प्रणाम मुखिया जी, कौन सी का चेकिंग चल रहा है? ओहो मर्दे, आप गाची के अंदर गए हुए थे, अगर भूत गर्दन मसूर के मार देता तो? भूत केने है भूत? ए मर्दे गाची में ना भूत। अबे ले ए लेंगरा, जो तोर मौगी बोलबैत रहो खाली, जो मौगी बोलबैत रहो। हां जो जो। आ सर पागल आदमी है सर, आ पागल आदमी को भूत दूत थोड़ी ना पकड़ता है सर। उसके हाथ में डिब्बा कहां था, कहीं लैटरिंग करने तो नहीं गया था गाची में? ना ना सर, पागल आदमी कुछ ले सकता है सर। चलिए सर, हमरो गान फट के आधा हो रहा है, चलिए। सर ये तो गुह है। अरे ना ना सर, गोबर है। ना ना सर, ये तो गुह है। ना ना सर, गोबर है सर। ना सर, गुह है गुह। अरे सर गोबर है, गुह है गुह। अरे कह दिए ना गोबर है। देखिए देखिए देखिए, गुण रहता तो हाथ में ना सारते, बताइए गुण रहता तो हाथ में ना सारते, एकदम बकलोले आदमी है। चलिए सर। आई हम हगवे करेंगे, तुम लोग का पोल खोलवे करेंगे। ससुरा तुम कैसे हग लेगा, आई हम देखते हैं। हम तो हगवे करेंगे सर, हम बहुत ईमानदार मुखिया है सर, घरे घरे सबके लैटरिंग बनवा दिए हैं, वो अपना हाथ से, तो कहेला कोई बाहर हगने आएगा सर। क्या हुआ सर, क्या हुआ सर? सर कौन है वहाँ पे? कुछ नहीं, कुत्ता उत्ता होगा सर। अच्छा चलिए ना। नहीं नहीं, कोई है वहाँ पे, कौन है? अरे सर कोई नहीं है सर। सर हम फूलन क्या कर रहा था वहाँ? सर यहाँ हग रहे थे, लेकिन उप मुखिया अवार्ड साहब हगने नहीं दे रहे थे। अरे ठीक तो कर रहे थे, जब सरकार घर में शौचालय दिया है तो घर में लैटरिन करो ना, बाहर आके गंदी काहे फैला रहा है। हाँ सर, इस ससुरा से सुधरने वाला नहीं है सर। पहले हमारी बात सुनिए, ये सब लोग अपन घोटाला छुपा रहे हैं। रे फुलन कथी बोल रहा है? बोलो फुलन। सर ये सब लोग मिल के ना हमारे लैटरिन खा रहे हैं सर। हमारा छोड़िए, हमारा जैसे जन कितना गरीब आदमी का लैटरिन खाली कागज में बनता है, जमीन पर नहीं। तो गरीब आदमी का लैटरिन रोड पर आवे ना करेगा का? मुखिया जी बड़ा ईमानदारी का ढोलक पीट रहे थे, क्या है ये? इस साल हम विपक्षी है, झूठ बोल रहा है सर। ना ना सर, विश्वास ना हो रहा है हमारे पर, तो हमारे थोड़े चलिए गांव में। सर गांव का थोड़ी रोड के काते काते जो तोपल देख रहे हैं ना, सब में गु तोपल है, आपके आने से पहले ही मुखिया जी तोपाए हैं। खुदन जी ई गांव के ऊपर लाल कलम चलाइए, मुखिया उप मुखिया जितना लोग शामिल है ना, सबके ऊपर शौचालय घोटाला का शिकायत दर्ज कीजिए और चलिए यहाँ से। सर 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 सर, ये गांव है तो तनका ऊंच नीच होते रहता है ना, कुछ ले दे के मामला को यहीं पे समेट लेते तो अच्छा रहे। ए मुखिया जी, आप हमको अपने जैसे नहीं समझिए, ये केस अब ऊपर तक जाएगा, केकरो गांव में दम नहीं है केस को रुकवा लेगा। चलो फुदन। अरे जाइए जाइए महाराज, आपके जैसे आटू झाटू अधिकारी बहुते आया और गया, हमर झाटू नहीं उखाड़ पाया, देखते हैं कथी कर लेते हैं आप, विधायक अपने आदमी है। हे जो यहाँ से नौटंकी चलाई चिक्की चलो वैछन। चलिए उप मुखिया जी। ए फुलन बहुते गलत किया है तू, गरीब को लैटरिन खाइएगा तो गान मरेबे ना करेगा। चलिए चलिए। नमस्कार, आज का ब्रेकिंग न्यूज, सुंदरबन पंचायत के मुखिया शौचालय घोटाले में हुए गिरफ्तार। और हाँ, आप हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दबा के उच्चर कर दीजिए।